उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर के क्षेत्र की एक घटना है जो हथौड़ा चौकी क्षेत्र में आता है। रोजा थाना हथौड़ा चौकी क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति का सिर फोड़कर सरेआम उसकी हत्या कर दी। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पत्नी ने अपने पति के सर में ईंट मारी। जब उसका पति गिर गया तो उसके सीने पर बैठकर पत्नी ने पत्थर से उसका सिर कुचला और उसका भेजा अपने हाथों से बाहर निकाला। इस मंजर को निकलने वाले तमाम लोगों ने साफ देखा और उसकी वीडियो भी शूट की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस औरत को रोक सके। हिम्मत किसकी होती, वहां पुलिस का जवान खड़ा था, उसने भी उस महिला को ऐसा करने से नहीं रोका। उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्यों है। किसी बात को लेकर घर में अनबन हुई थी। सत्यपाल, जिनकी उम्र 40 साल है, जो अपने बेटे रोहित और अपनी बेटी और अपनी पत्नी गायत्री और डोली के साथ अपने घर में रहते थे, किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसमें पति पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति को सरेआम दिन दहाड़े 2:30 बजे के करीब ईंट से सर कुचलकर जान से मार दिया। तो इस तरह के जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो क्राइम बढ़ रहा है। हालांकि गायत्री को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस का भी स्टेटमेंट उस पर आ गया है, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस तरह के जितने मामले हैं, क्राइम उत्तर प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ये थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत हथौड़ा चौकी के मैं रोड पर सत्यपाल सुनो हरिराम, जो जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, स्टेडियम में नौकरी करते थे। आज पति पत्नी में किसी बात में लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति पर ईंट से जो कि सिर पर वार किया गया, जिसकी अपने दरवाजे घर के दरवाजे पर ही मौत हो गई है। इसकी बॉडी पंचायतनामा के लिए आज भेजी जा रही है, पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पत्नी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।